अस्सलाम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 30 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके क्या वैल्यूज होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करें ये एक ट्रायंगल है, ओके। इसकी एक एंगल 90 डिग्री की है और ये एंगल 30 डिग्री की है, और इन एंगल्स के कुछ नाम हैं। ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। इसमें जो एंगल सी है ये 90 डिग्री की है, और मेजरमेंट बी सी जो साइड है इसका मेजरमेंट है ए, ओके। और ए सी जो साइड है इसका मेजरमेंट है फॉर एग्जांपल बी, और जो हाइपोटेन्यूज है उसका वो उसका मेजरमेंट है सी, ओके। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास क्या गिवेन है ट्रायंगल में, कि सबसे पहले जो चीज़ गिवेन है वो ये है कि मेजरमेंट एंगल बी किसके केले 30 डिग्री के केले, ओके। अब जो इसमें जो एंगल ए और एंगल बी हैं दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। अब किसी भी ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होती हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ओके। इस ये बात हमने 45 डिग्री का जब हमने फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में उसमें भी ये बात कही थी हमने, ओके। एज मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड मेजरमेंट एंगल ए, ओके, इज इक्वल टू 90 माइनस मेजरमेंट एंगल बी, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करनी है, तो क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल बी कितनी है 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, मेजरमेंट एंगल ए मिल गई हमें, कितनी मिली 60 डिग्री, ओके। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए मिली 60 डिग्री। अब जैसा कि हमें पता है कि मेजरमेंट एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है 30 डिग्री है, और वो किस में है, एक राइट ट्रायंगल में है, ओके। एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल किसकी है 30 डिग्री की है, तो क्या होता है इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी मेजरमेंट, हाइपोटेन्यूज की क्या मेजरमेंट वो क्या होती है, डबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जो इसका परपेंडिकुलर होता है उसकी मेजरमेंट के डबल होती है। अब हम इसको कैसे रखेंगे, हाइपोटेन्यूज इसका, हाइपोटेन्यूज की क्या मेजरमेंट थी सी थी, ओके, इज इक्वल टू 2, और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट क्या थी बी थी, ओके, तो सी इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ पे आपको मिल गया। अब प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम में भी क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है, ओके, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ओके। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज था सी, ओके, उसका स्क्वायर और इज इक्वल टू बेस क्या था यहाँ पे ए था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमें सी भी मिल चुका है, सी इज इक्वल टू 2b, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करते हैं, ए स्क्वायर को हम इसी जगह पे रखते हैं, ओके। अब यहाँ पे सी स्क्वायर बी स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सी के किसके इक्वल था 2b के इक्वल था, ऊपर हमने सॉल्व किया था 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब हमने, हमें पता है कि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू रूट 3b। ये आपको ए का वैल्यू मिल गया। अब हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू रूट 3b भी आपको मिल गया। अब हमने वन बाय वन
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन की, साइन 30 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, आपको पता है बी अपॉन सी के। ओके, अब हमें पता है कि बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2b था, अब सी को हमने 2b से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी बी से कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट, कॉस की, कॉस 30 डिग्री। ओके, इसी तरीके से हम करेंगे सॉल्व इसको। अब क्या होगा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन सी। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू क्या फाइंड की थी ऊपर हमने, √3 बी, और बी सी की वैल्यू क्या थी, 2b। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी बी से कैंसिल हो गया और ये इक्वल किसके हो जाएगा, √3/2। ओके, उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। नेक्स्ट वैल्यू किसका फाइंड करना है, टेन 30 डिग्री का। ओके, टेन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, अब क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो बी अपॉन ए हो जाएगा। ओके, तो बी सेम रखते हैं यहाँ पे, ए को रिप्लेस करते हैं, ए किसके इक्वल था, √3b। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे बी को बी से कैंसिल आउट कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 1/√3। आपको 10 30 डिग्री की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यूज करके कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबर 4 क्या है, कॉसेक है, कॉसेक 30 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉसेक 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/sin 30 डिग्री। ओके, 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल था, 1/2 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम आ रहे हैं नंबर 5 क्या होता है, सेक 30 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेक 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, सेक 30 डिग्री इक्वल होता है 1/cos 30 डिग्री के। ओके, अब हमने कॉस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी, क्या मिली थी, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद आ रहे हैं हम नंबर 6 पे, नंबर 6 पे होता है कॉट 30 डिग्री। ओके, अब कॉट किसके इक्वल होता है, हमें पता है कॉट इक्वल होता है 1/10 के, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 1/10 और एंगल क्या है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे। ओके, टेन 30 डिग्री किसके इक्वल था, 1/√3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3। ओके, इसी तरीके से हमने साइन से लेकर कॉट तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यूज हमने फाइंड कर दिए।